पहले नवरात्रि को मंदिरों में श्रद्धालुओं द्वारा की गई पूजा अर्चना, वहीं अपने अपने घरों में कलश की स्थापना कर की गई पूजा अर्चना। गांधी कॉलोनी के वैष्णो मंदिर के पंडित जी ने बताया कि किस तरह से नवरात्रि व्रत रखना चाहिए। आचार्य यमुना प्रसाद डिमरी पंडित जी, जैसे कि आज नवरात्रि स्टार्ट हुए हैं, किस तरह से ये पर्व मनाया जाता है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? आज माता रानी का पहला नवरात्र है। सभी देशवासियों को माता रानी के नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी सबके घर में आरोग्य तथा सुख शांति बनाए रखें। सबसे पहले माता रानी के चरणों में प्रणाम। ओम सर्व मांगल्य मांगल्य शिवे सर्वाधु साधुके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आज पहला नवरात्रा जिसको शैलपुत्री कहते हैं, प्रथम शैलपुत्री का नवरात्रा, और उसी दिन आज जो है घट स्थापना है। और इस दिन सबसे पहले जो व्रती रहते हैं, जिससे उपास रहता है, माँ भगवती की शक्तियों का तथा इनके मंत्रों का जाप करना चाहिए और विधिवत पूजन करके केवल फलहार ही इसमें रहते हैं और माता का पाठ करके और यथाशक्ति माता रानी से आशीर्वाद प्रदान करें। कितनी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? इसमें विशेषकर खाने का ध्यान रखना चाहिए, नमक संबंधी, और केवल फलहार मैंने आपको अभी बताया, केवल फलहार ही करना चाहिए माता रानी के। उसमें जो व्रती रहती है, कई लोग कुट्टू का आटा इत्यादि यूज़ करते हैं, पर लेकिन मेरे दृष्टि से नहीं खाना चाहिए। इसमें जो है फलहार मतलब कम आहार करके जो है भोजन करके माता रानी का स्मरण करके ही इसकी फलीभूति मिलती है, इसकी जो हमें प्राप्ति होती है, थोड़ा आहार करके ही इसका जो है हमें पूर्ण फल मिल जाता है।